शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत जहां 30 बच्चों पर सरकार ने एक शिक्षक की नियुक्ति की है, वहीं बहराइच जिले के कोदही प्राथमिक विद्यालय में दो टीचर के भरोसे शिक्षण कार्य हो रहा है। इससे यहां पढ़ने वाले गौरव के साथ 500 बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। ये बताइए कि आपके स्कूल में कितने टीचर? दो। बच्चों की संख्या कितनी है? 500। तो टीचर की कमी है, इसके लिए आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे यहाँ और टीचर आए और हमको लोगों को पढ़ाएं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। यहाँ पर कितने टीचर? दो। बच्चों की संख्या कितनी? 500। तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं? टीचर और आ जाए। आपके स्कूल में कितने टीचर हैं? एक टीचर एक शिक्षक। आपके स्कूल में बच्चे कितने? 500। तो 500 बच्चों का कितने टीचर होना चाहिए? 16। आपके स्कूल में कितने क्लास रूम हैं? क्लास रूम 8 है, लेकिन बैठने लायक एक भी है। कुछ में दरवाजे खिड़कियां नहीं है, कुछ में नीचे फर्श नहीं है, कुछ की छतें करेक्ट है। जो टीचर की कमी है यहाँ पर, तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं? सरकार टीचरों को भेजे। आप एक व्यक्ति तो केवल यहाँ कागजी काम के लिए रहता है। अगर प्रधानाध्यापक को छोड़ करके हर कक्षा के लिए कम से कम एक अध्यापक की व्यवस्था सरकार कर दे तो यहाँ का शिक्षा कार्य सुचारू रूप से बढ़िया करता है। कम से कम प्रधानाध्यापक को छोड़ करके 5 अध्यापक और। अपने खंड शिक्षा अधिकारी से कई बार कहा गया है और उन्होंने इस बार आश्वासन भी दिया था कि आपको कम से कम 2 अध्यापक मिल जाएंगे, लेकिन शिक्षा मित्रों की तैनाती में जब अध्यापक नहीं मिले तो फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो BTC के छूटे हुए लोग हैं उनमें से एक शिक्षक जरूर भेज दिया जाएगा, लेकिन बाद में परिणाम ये आया कि यहाँ कोई भी शिक्षक नहीं पहुँचा। मैं चाहता हूँ इस विद्यालय में टीचर की पर्याप्त मात्रा में नियुक्त हो, शिक्षण कार्य सही व सुचारू रूप से चले। इसके लिए आप बहराइच जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के मोबाइल नंबर 94530041 पर कॉल करके दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं घनश्याम, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहर्ड के लिए।